चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव 2023, विधानसभा चुनावों की फतह है कि रणनीति में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। भाजपा मुख्यालय में बैठकों का सिलसिला जारी है। जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों की आज बैठक। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रभारी अरुण सिंह, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर इस बैठक में मौजूद है। फतह करने की रणनीति, कल प्रधानमंत्री पहुंचे थे जयपुर और 4 साल के बाद उन्होंने जयपुर में एक सभा को संबोधित किया। जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। सभी परफॉर्मेंस को जांचा गया, कौन कितने लोग लेकर पहुंचा है, कितनी भीड़ वहां पर जुटाई गई है, कार्यकर्ताओं की क्या परफॉर्मेंस रही, कहने में और करके दिखाने में जो अंतर रहा वो कितना रहा, तमाम सारी चीजें प्रदेश नेतृत्व ने आगे रिपोर्ट बना के पहुंचाई होगी। लेकिन कुल मिलाकर के मुद्दा सिर्फ यही है कि विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत होनी चाहिए। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उसमें इसी तरह की रणनीति पर काम जारी है। लेकिन राजस्थान की हम यहाँ बात कर रहे हैं, एक पूर्ण रूप से बड़ा राज्य है, फिलहाल कांग्रेस शासित है और जिस तरह की हिस्ट्री रही है, एक बार कांग्रेस एक बार भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कांग्रेस यहां पर हमेशा से इस चीज की ताल ठोक रही है कि इस बार वो रिकॉर्ड वो रीत टूटने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि फतह के लिए वो लगातार मैदान में जुटे हुए हैं। स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम कल पहुंचे और एक विशाल जनसभा को जयपुर के दादिया में संबोधित किया। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बैठकों का सिलसिला जारी है क्योंकि अब सभी का इंतजार सूची को लेकर है। उम्मीदवारों की सूची कब आएगी, क्या क्या नाम उसमें होगी, ए बी सी डी, ये 3-4 कैटेगरीज में जब सूची का हम जिक्र करते हैं तो उसको लेकर भी मंथन। लेकिन जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों की आज ये बैठक फिलहाल जारी है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी वहां पर, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रभारी अरुण सिंह हमारे साथ, सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, विधानसभा चुनावों पर पूरी तरह से फतह करने की रणनीति में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। कल की विशाल जनसभा के बाद, प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद आज भी मुख्यालय में बैठकों का सिलसिला जारी है। आज कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स मान रहे हैं आप इन्हें, जिला अध्यक्षों की और जिला प्रभारियों की बैठक को? देखिए, इस बैठक के जरिए उन्हें एक सीधे तौर पर मैसेज दिया जा रहा है कि किस तरीके से रणनीति होगी, उस रणनीति में किस तरीके से अब जो बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती होगी वो ये होगी कि जो बीजेपी के विचार के लोग हैं कहीं वो निर्दलीय फॉर्म नहीं भर दें, कहीं वो मैदान में ताल ना ठोक दें या कहीं वो किसी तरीके से पार्टी को नुकसान ना पहुंचा दे। तो यहाँ पर क्योंकि अब टिकटों की घोषणा होने में है तो टिकटों की घोषणा से पूर्व सभी का समन्वय बनाए रखना और आगामी दिनों में अन्य नेताओं का, सभी नेताओं का जिलों में प्रवास भी है तो उससे पूर्व की तैयारियों की बैठक है और आज यहाँ पर सीधे तौर पर इन पूरी टीम के लोगों को एक मैसेज दे दिया जाएगा कि अब आपको इस तरीके की तैयारियों में जुटना है क्योंकि अब सभाओं से पहले राय शुमारियों के दौर भी चलेंगे तो इस लिहाज से ये बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बैठक की पहले से ही तैयारी कर ली गई थी। अब सीपी जोशी के अलावा अन्य प्रमुख नेताओं के भी संबोधन होंगे, प्रहलाद जोशी, अरुण सिंह, चंद्रशेखर, तीनों ही अपनी बात कहेंगे। ठीक है ऐश्वर्य, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।